ओम शांति इस शरीर का नाम राघव कंवर है मैं अभी स्टूडेंट हूँ एम बी ए में हूँ एच आर से कर रहा हूँ मैं अपनी एम बी ए और मुझे ज्ञान में चलते चलते पाँच साल हो गए हैं ज्ञान में आना इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पहले आए थे ज्ञान में फिर उनके साथ हम भी मैं और मेरा भाई दोनों हम ज्ञान में आते हैं धर्मशाला सेंटर पे हम लोग डेली आते हैं ज्ञान में ज्ञान में आने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगा ये है कि झूठ और सच में डिफरेंस पता चल गया क्या है आज के लोगों को अभी भी इतना झूठ है भक्ति मार्ग में भाग रहे हैं कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता इतने सारे देवी देवताओं के पीछे पूजा करते 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 ये लोग जानते नहीं कि वो देवी देवता हम ही थे हमने ही फिर जन्म लिए फिर हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं तो ज्ञान में आने से मेरे को सबसे पहले तो यही पता चला कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भक्ति में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं क्योंकि एक ही पिता है परम पिता परमात्मा शिव है उन्हीं के बारे में जो है उन्होंने ही रचा है और उन्हीं का ही किया हुआ है उन्हीं के द्वारा ही यह सृष्टि चल रही है सब है और भी जैसे यहाँ पे आने का फ़ायदा सबसे सही ये है कि शांति बहुत है यहाँ पे माइंड शांत रहता है जब हम सुबह 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 आते हैं यहाँ पे उससे पहले मेडिटेशन होती है काफ़ी देर मेडिटेशन करके काफ़ी बॉडी को एकदम रिलैक्स महसूस हो जाता है क्योंकि शरीर को फिट रखने के लिए हम लोग खाना खुना खाते हैं सब कुछ करते हैं रनिंग करते हैं वगैरह वगैरह लेकिन आत्मा को शांत और हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं कर पाते आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है कुछ लोग करते भी हैं मेडिटेशन बट वो जानते नहीं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर उनकी आत्मा को के... अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के मेडिटेशन करते हैं वो लोग मेडिटेशन करते टाइम कि इतना प्रेशर डालते हैं दिमाग में कि कोई ना आए कोई ना आए कोई ना आए लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग अपने सारे थॉट्स को ओपन कर देते हैं कि एवरीथिंग कम एंड गोज लाइक दिस जो भी सिस्टम है यहाँ पे सब चलता है यहाँ पे इससे पूरी बॉडी पूरी सोल जो होती है एकदम प्योर हो जाती है रिलैक्स हो जाती है और स्टडी में यह है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैं तो कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में कॉम्पिटिशन बहुत है भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है जिंदगी में स्टडी डेली हार्ड होती जा रही होती जा रही है बट क्या करना है उन बेचारों को पता नहीं है तो उनको पता नहीं है क्या करना है और वही बॉडी उन सुसाइड भी कर रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग इतना स्टडी में इतना ज़्यादा फोकस हो जा रहा है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बॉडी उनकी कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी उनका ब्रेन कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा प्रेशरइज़्ड इतना है वो लोग सोसाइटी से कि सोसाइटी में जीना है सोसाइटी में जीना है लेकिन सोसाइटी में जीना भी इम्पोर्टेंट है लेकिन जो है कि पहले अपने आप को जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम हैं कौन ये बॉडी कौन है ये आत्मा कौन है इस बॉडी को कैसे हम लोग चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं क्या रीज़न इस बॉडी को आगे चलाने का क्या रीज़न इतनी सारी बिल्डिंग्स कार मोबाइल्स फ़ोन वगैरह बनाने का हमें ये सब कुछ जानना ज़रूरी है पहले और सबसे ज़्यादा जो ये प्रेशर है इस प्रेशर को रिलैक्स करना ज़रूरी है क्योंकि 24 घंटे में से ज़्यादातर कुछ लोग जो है आप चार चार पाँच पाँच घंटे पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे उठेंगे फिर पढ़ने बैठ जाएंगे खाएंगे खाना भी सही नहीं है आज तो बिल्कुल खाना भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है तो यूथ के लिए तो यह है कि भाई सुबह आओ मेडिटेशन करो थोड़ी देर बैठो रिलैक्स हो जाओगे पूरी बॉडी नॉलेज इतना सही है कि नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज है कि हर दिन जो मुरली चलती है यहाँ पे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया पता चलता जाता है मुरली के वजह से हमें यही है मेरा कि सब आए सुने मेडिटेशन करें और यही ओम शांति